हलो फ्रेंड्स वेलकम टू महीस क्रिएशंस इनकी नम्बर पाकपो मांगा पचड़ी एप्डी पड़ाना वो पाकपो इतर ना उन्होंने वो तोल सीवी एंगा वो मूर टू मूत्र ग्राम वो ना तोल सीविक्रेन पारें वो तोल सीविया इत व ना मेलिसा वो कट पड़ी एल पारें इतमी इंदुक्त ना तिन्न इतमी वो एलिए वो कट पड़ी एल ना एल कट पड़े पांग इतमी ना कट पड़े अब ना कुवा वेगम अदकारी वो कट पड़े इन पेन उन्हें कट पांगा सेतर सेतु इत मुंग्र अल्वक तं सेक ना और मुकाल ग्लास अल्व तं सेक ना वेग वल स्टव वे ना कुवा वेग वूड़ वल इार उन्हें अल कपा रे पल पू अर टी स्पून सीरकम सेतुटे ना अरे वंरल पारें इतव के अरेचर इतना कुछ ती सेटे कुछ मैं अरेचिक इतमी अरेचर रोम मैं अब कुरकूड़ा इतमी अरेचिक इंगा ती ना को आरमचि इतना अर टी स्पून मंजल तूल सेक सेटे ना मिक्स पड़ी इत वो मूड़ इन वेग वल वो रोम सीक्रमें वंदर इतमी ना मेलिसा कट पड़ी रोम सीक्रम मूड़ वाला इनको वेगटो पारें मंगा ना कुवा वंदिर वो करंटी वे ना मसिचु विटकें अंदर वंदमा इला தேவையான அளவு மிளகாய் தூள் நான் வந்து அரை டீஸ்பூன் மிளகாய் தூள் சேர்த்துக்கறேன் நீங்க காரத்துக்கு ஏத்த மாதிரி சேர்த்துக்கங்க சேர்த்துட்டு இதல தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்து நல்லா mix பண்ணி விட்டுட்டு இப்போ இதையும் வந்து ஒரு 5 நிமிஷம் போல இத வேக வைக்கலாம் மூடி போட்டு அப்பப்ப வந்து இடையில எடுத்து கிளறி விட்டுக்கங்க அடி பிடிக்காம இருக்கிறதுக்கு इत ना वेगट अ पच स्मेल होनम इला सेतरल पार ना कुछ अरेचा सेतुटे कुछ अलसि तुम सेतुक सेतुटे वो मूणु टू नाल निम्सम को वो को आरमचदक और मूणु टू नाल निम्सम वो वल पच स्मेल वेगटो इतना ना वो वो सेतुक मंडवल सेतुक नहीं सक सेक वो ना और इवतु मुपद ग्राम वा ना वो सेतुक नहीं अधिकम अधिकम सेतुकें ऐना वो अंदि इनिपु कारम सर्दा रोम वो नल्मा पुलि वो कमिया इतना ना और पेन एण ऊती कड़गुत पर्प करवेपिल वंगयमी अतरल अंगयम कुछ ब्रउन आगे वाई वो वदक பாருங்க இப்ப இதல ஊத்திட்டு mix பண்ணிட்டு அப்படியே சர்வ் பண்ண வேண்டியதுதான் இது வந்து அப்படியே சாப்பிடுறதுக்கு ரொம்பவே சூப்பரா இருக்கும் ஜாம் மாதிரி நீங்க வந்து sugar சேக்கறதை விட மண்டவெல்லாம் சேத்தீங்கனா ரொம்பவே சூப்பரா டேஸ்டா இருக்கும் இது வந்து சாம்பார் கூட சாப்பிடுறதுக்கு ரொம்பவே நல்லா இருக்கும் இந்த ரெசிபி நீங்களும் கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணி பாருங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மஹீஸ் கிரியேஷன்ஸை subscribe பண்ணுங்க பெல் பட்டனை click பண்ணுங்க மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கிறேன் நன்றி